बागवानी बनी वरदान, मिल रहा सरकारी अनुदान, खुशहाल हो रहा प्रदेश का प्रगतिशील किसान, सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। किसानों को परंपरागत खेती छोड़ने की सलाह दी जा रही है ताकि किसान परंपरागत खेती करने की बजाय सब्जी, फल, फूल, बागवानी, पशुपालन व मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपनाएं और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। प्रगतिशील किसान जैविक खेती के साथ भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज किसान परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी और आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं, जिससे न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है बल्कि किसानों के साथ साथ प्रकृति को भी फायदा हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में ज्यादातर किसान आज भी परंपरागत खेती ही करते हैं, लेकिन कुछ किसान बागवानी कर ऐसे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। बागवानी कर रहे किसानों को लाभ भी मिल रहा है। ऐसे किसानों में से एक है हरियाणा के मेवात जिले के प्रगतिशील किसान आबिद हुसैन। गांव सतकपुरी के किसान आबिद हुसैन ने खेती को नई दिशा दी। पारंपरिक फसलों गेहूं और सरसों की खेती की जगह अब किसान आबिद हुसैन सब्जियों की खेती करते हैं और खेती बाड़ी के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान आबिद ने बताया कि पहले लागत ज्यादा होती थी और कमाई कम होती थी, लेकिन अब बागवानी से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, काफी फायदा मिल रहा है। जो हमारे किसान की अक्सर जो खेती थी हमारे गांव में गेहूं और सरसों थी, जिसमें मेहनत भी ज़्यादा और किसान की पैदावार वो इनकम बहुत कम थी, लेकिन अब करीब करीब 2001 से हम लगातार वेजिटेबल का काम कर रहे हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से हम गेहूं सरसों भी बोते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बोते, लेकिन ज़्यादातर वेजिटेबल पर आधारित। हॉर्टिकल्चर का ये है कि अब हर किसान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और वो जागरूक कर रहे हैं कि आप इसको लगाओगे तो आपके लिए ये फायदा होगा। सरकार भी देती है अनुदान। सरकार किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जागरूक कर रही है ताकि किसान परंपरागत खेती छोड़कर चना, मूंग, दाल, मक्का, सरसों और सूरजमुखी के अलावा पानी की कम लागत वाली फसलों की बुआई करें। इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं इसके अलावा किसानों को बागवानी के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और बागवानी करने पर भी उन्हें अनुदान दिया जाता है। वहीं किसान आबिद हुसैन का कहना है कि बिना ज्यादा मेहनत के किसान अच्छी कमाई कर सकता है। किसान आबिद हुसैन ने बताया कि कैसे बागवानी विभाग की ओर से लगातार उनकी मदद की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पानी की बचत के लिए भी सरकार किसानों को जागरूक कर रही है और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना किसानों को सिखा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से फसल भी अच्छी होती है, जिससे खर्च कम आता है और कमाई ज्यादा होती है। हॉर्टिकल्चर है जो बीज के अनुदान दे रही है 8,000 रुपए। एक हमारे लिए पैक हाउस दिया है जो हॉर्टिकल्चर ने, सिर्फ इसी वजह से दिया आप वेजिटेबल करो और आपकी इनकम जो सरकार कह रही है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। दूसरे जो मेन कारण है कि पानी का स्तर पहले अच्छा था, लेकिन अब पानी का स्तर चला गया तो उसमें और ज़्यादा मेहनत होने लग गई। जो ये सिस्टम आया है ड्रिप का, इससे एक तो पानी की बचत होती है सबसे पहली बात, और अगर उसमें मल्चिंग लगाया जाए तो सोने पर सुहागा होता है। एक तो पानी की उस पर नमी होती है, खरपतवार कम होता है। मल्चिंग लगने के बाद उस पर जब उस पर लोटरनल लगाते हैं तो जो हमारा बूटा है करीब करीब 70-80% सुरक्षित रहता है। उसके बाद अगर तुरंत स्टैकिंग पर चढ़ा दिया जाए तो एक तो फल अच्छा आएगा और उसका आकार बहुत साफ रहेगा, मोटा रहेगा। जो पैदावार एक किले में अगर 80 क्विंटल निकल रही है वो मेरे हिसाब से 200 क्विंटल पे पहुंच जाएगी। जो किसान उसमें से 50,000 की पैदावार उठा रहा है तो इसमें कम से कम ज़्यादा में 1.5 लाख रुपए की पैदा आराम से निकालेगा। अगर हम टमाटर लगाते हैं तो करीब करीब 3,000 या 4,000 का बीज लगता है मैक्सिमम, उसमें से कुछ बूटे खराब भी हो जाते हैं। अब उसमें बेड पर लगाने के बाद इसमें तकरीबन खर्चा खाद वगैरह जो भी डालेंगे वो तो डालेंगे ही, वो तो खर्चा आएगा ही, वो तो गेहूं में भी आता है, सरसों में भी आता है, लेकिन जो इसमें आता है एक बार डालने के बाद इसमें वो लोटर न लगा दे, मल्चिंग लगा दे, इसमें फिर कोई खर्चा नहीं है।
इसमें तो फिर खर्चा तभी आएगा जब आप फल निकालोगे, तो आपसे कवर नहीं होगा फल, उसमें आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे। प्रगतिशील किसान आबिद हुसैन ने अन्य किसानों से भी ऐसी ही अपील की कि सब्जियां उगाने से हर दिन कमाई होगी, फायदा भी ज्यादा होगा, इसलिए बागवानी को अपनाएं। गेहूं सरसों लगा रहे हैं, मेरी उन्हें के लिए ये सलाह है, अगर वेजिटेबल पाएं तो रोजाना की दैनिक इनकम होगी और फायदा भी ज्यादा होगा। बागवानी से आमदनी दोगुना बढ़ी। सरकार लगातार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं सरकार के प्रोत्साहन का नतीजा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो आधुनिक तरीकों से खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नर्सरी और फलों की खेती करने वाले किसानों की आय में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, ऐसे भी अनेकों किसान हैं जो बागवानी के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसानों में से एक हैं जींद के किसान सुभाष, जो खेती के मामले में मिसाल पेश कर रही हैं। प्रगतिशील किसान सुभाष ने न सिर्फ प्रगतिशील खेती करना शुरू किया, बल्कि उद्यान विभाग के सहयोग से फूड एवं प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी की, अपनी फैक्ट्री लगाई जिसमें वो अचार, चटनी और मुरब्बा का उत्पादन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान सुभाष ने कई परिवारों को रोजगार भी दिया हुआ है। मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता हूँ, जिसमें मैं सभी प्रकार के अचार, मरबे, चटनी व लड्डू बनाता हूँ। मैंने ये फूड प्रोसेसिंग की यूनिट सन 2003 में ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्ट की थी। मेरा साथ में बाग व नर्सरी का भी काम है। हमने लगभग 15 से 20 परिवारों को रोजगार दिया हुआ है, जिसमें हमारा बाग भी आ जाता है, नर्सरी भी आ जाती है और साथ में फैक्ट्री भी। प्रगतिशील किसान सुभाष का कहना है कि आज वो खेती से अलग सिर्फ फैक्ट्री के प्रोडक्ट बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग उनकी काफी मदद कर रहा है, सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी भी दी जाती है। उनका कहना है कि जो किसान आज तक सिर्फ किसान ही बने बैठे थे, वो आज अब उद्योगपति भी बन रहे हैं। मैं केवल फैक्ट्री के प्रोडक्ट से 40 से 50 लाख रुपए पर ईयर की सेल कर देता हूँ। जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई जा रही है, इसमें बागवानी विभाग हरियाणा काफी मदद कर रहा है। आजकल इसमें लगभग 30-35% तक सब्सिडी भी दी जा रही है बागवानी विभाग द्वारा। जो किसान हमारे मतलब केवल किसान ही बनकर बैठे थे, आज वो एक उद्योगपति बनते जा रहे हैं। इसमें बागवानी विभाग का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, जिन्होंने फूड प्रोसेसिंग अपने मतलब प्रोडक्ट को वैल्यू एडिड करके बाजार में उतारने के लिए प्रोत्साहन किया। मैं इसके लिए बागवानी विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ। बागवानी विभाग लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है, किसानों की समय समय पर मदद भी की जा रही है, जिससे किसान आधुनिक खेती को लेकर जागरूक हो रहे हैं और परंपरागत खेती को छोड़कर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल खेती में करने लगे हैं। और अब खेती बाड़ी ही नहीं बल्कि कृषि संबंधित उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा हो रहा है। बागवानी से प्रकृति को भी फायदा। जो किसान परंपरागत खेती में अभी भी उलझे हैं, उन्हें भी इस बात को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए कि बागवानी से जहां खेती में लागत कम आती है, वहीं मुनाफा भी ज्यादा होता है। और इतना ही नहीं, इससे प्रकृति को भी फायदा मिलता है, क्योंकि आज प्रदूषण के दौर में जहां पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, और साथ ही धान और गेहूं की फसल की तुलना में बागवानी से अच्छी आमदनी तो होती ही है, इसके अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती है और गेहूं या धान की खेती के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, लेकिन बागवानी में पानी भी कम लगता है। इसलिए बागवानी अपनाने से किसानों को जहां कई फायदे हो रहे हैं, तो वहीं साथ में प्रकृति का भी फायदा हो रहा है।